प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगे हैं। अब सियासत के केंद्र में आधी आबादी यानी महिलाएं आती दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस और सपा के साथ अब बीजेपी ने भी महिला मतदाताओं को साधे रखने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए नई रणनीति बनाई है। बीजेपी ने महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कमल शक्ति संवाद नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। मेरठ में बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कमल संवाद और नव दुर्गा के नौ रूप के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 19 जिलों की भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्रियों ने प्रतिभाग किया। आयोजन में पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा और कहा कि अब से पहले 40% आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, जहां उनकी सरकार है वहां पर वह आरक्षण क्यों नहीं देते, उत्तर प्रदेश में ही ये बात क्यों की जा रही है। जिस प्रकार से केंद्र में हमारी इस बार 11 मंत्री जो हैं वो महिलाएं बनी हैं, उससे महिलाओं को बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन मिला है। और इस प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी आपके सामने परिचय भी हुआ कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान से लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंची और आप राज्यसभा की सदस्य हैं, तो इस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, खास तौर पर मैंने कहा कि महिलाएँ अपने आप को मोदी जी से कनेक्टेड समझती हैं, योगी जी से कनेक्टेड समझती हैं, तो वो ज़्यादातर महिलाओं को अपना टारगेट करेंगी। और जिस प्रकार से दूसरी पार्टी ने एक बयान भी किया है और कहा भी है कि 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे, इस तरीके के झूठे वादे मैं कहूँगी कि वो सबके सामने आएंगे, लेकिन महिलाएं इसमें उनको समझदारी से काम लेना है और उनको सही मायनों में उस पार्टी को चुनना है। देखिए, मैं झूठे वादे इसलिए कह रही हूँ कि झूठे वादे इसलिए हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में केवल 40% दे रही हैं, जहां उनका कोई अस्तित्व नहीं है, जहां उनका खाता खुलने वाला नहीं है। वो उस प्रदेश में बात करें जहां उनका कोई हैसियत है उनकी पार्टी की, उस प्रदेश में बात करें कि वो वहां 40% आरक्षण देंगे कि नहीं। असलियत में जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, आज वो टिकट देने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये कहने की बातें दूसरी हैं, हाथी के दांत दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए भाजपा को सबके साथ बताया। साथ ही प्रियंका गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश में 40% आरक्षण महिलाओं को देने की बात को सिर्फ चुनावी जुमला बताया। और आपने देखा कि 2017 में चुनाव हुआ था विधानसभा उत्तर प्रदेश का, उस समय प्रियंका गांधी कहाँ गई थी? उस समय भी ये जाती थी तब उनको उत्तर प्रदेश की महिलाओं की याद नहीं आई थी, तब उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? वो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, उसमें केवल 12 टिकट दी थी, आपको भी पता है। और जहाँ जहाँ उनकी राज्य में सरकारें हैं वहाँ आप देख लीजिए कितनी महिलाओं को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, अभी आपने देखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसमें 75 जिलों में 40 महिलाएं जीती और उन 40 महिलाओं में 36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जिला पंचायत की अध्यक्ष बन के हुई।